ये दोनों केसेस में ऐसा लग रहा है ये दोनों में एक दूसरे को जानते रहे, लोग जानते रहे एक दूसरे को जानते हैं। तो मैं कह रहा हूँ, मेरा ये कहना है कि ये समय राजनीति का नहीं है। मुझे बड़ा आज दुख हो रहा है, आपकी प्रवक्ता महिला है, महिला हो के आप इस समय आप आदमी पार्टी तो आवाज उठा रही हूँ, इसीलिए तो आवाज उठा रही हूँ महिलाओं के लिए कि महिलाओं को सुरक्षा दो, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं बंद करो। अरे आप बंद करो, अभी आप बात कर रहे थे ना योगी मॉडल की बात कर रहे थे, अभी मेरठ में एक लेके आम आदमी पार्टी कौन सा जादू लेके, वो जादू का डंडा बताइए ना पंजाब, आपके जादू का डंडा दिखाइए, वो जादू का डंडा कहाँ छिपा। बात सुनिए, अभी मेरठ में एक घटना हुई है मणिपुर की तरह, जिसमें एक लड़की को नग्न करके उसके साथ बलात्कार किया जाता है, उसकी वीडियो बनाई जाती है और उसे ब्लैकमेल किया जाता है। कहाँ है योगी सरकार? और जिनके बात कर रहे हैं, जिनके ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, उन्हीं को अपनी सरकार में शामिल कर लेते हैं, जैसे मुख्तार अंसारी के बेटे। क्या मुझे एक बात बताइए, पुलिस पे उंगली उठाई जा रही है, सबसे पहले जो दरिंदे हैं इनको अगर खत्म कर दिया जाए, इंस्टेंट इनको इनके ऊपर कार्रवाई हो, क्या ये केस आगे बढ़ेगा? वन सेकेंड क्या ये केस आगे बढ़ेंगे? क्या गोली थोड़ी मार देंगे? इंस्टेंट जैसा जैसा करे वैसा इनके साथ करो, कानून उनून है भाई। आ रहा हूँ मैं, चारू आ रहा। नहीं, एसीपी साहब का मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन इनसे पूछिए क्या हर पुलिस वाला रील बनाने में बिजी नहीं है? आप और मैं चलते हैं अभी, एक एक पुलिस वाला आपको सिर्फ मोबाइल पे नजर आएगा, हर कोई मोबाइल पे कुछ ना कुछ कर रहा होगा, उधर फोकस ही नहीं है उसका, उसका फोकस जनता की तरफ है ही नहीं, अपने मोबाइल में कुछ ना कुछ करने में बिजी है। ठीक है, देखिए जनता अपने लिए कभी खड़ी नहीं होगी तो उसके लिए कोई खड़ा नहीं होगा, इसीलिए जनता को अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, तमाशबीन बन के हटना पड़ेगा, अगर हम अपने लिए ही नहीं खड़े होंगे तो कौन हमारे लिए खड़ा होगा? सौरभ भाई देखिए, यहाँ जो पार्टी के प्रतिनिधित्व हैं वो अपनी अपनी पार्टियों को बचाने में लगे हैं, जो पुलिस से हैं वो अपने डिपार्टमेंट को बचाने में लगे हैं। आप समाधान ढूंढिए ना, मुख्यमंत्री स्वयं जाए, वहाँ के सच्चों से मिले, जनता के बीच में जाए, जागरूकता अभियान चलाए, महिलाओं आपको लेकर एलजी भी लेके जाइए, आप उसमें क्या बात कर रहे हैं आप एलजी के ऊपर? मुख्यमंत्री, अरे अमित शाह क्या करेंगे बताओ ना, एलजी साहब क्या करेंगे? मुख्यमंत्री शीश पे ऐसे बांध दिखलेंगे तो जनता का ख्याल, मैं कहती हूँ जिम्मेदारी केजरीवाल को दे दीजिए ना, कर लेंगे वो फिर। दिल्ली के मुख्यमंत्री जिम्मेदारी, जनता आ रहा हूँ जनता के, एसएचओ के साथ एक टीम को गठित करें पूरी दिल्ली के हर इलाके में। अमित शाह पे क्यों नहीं सवाल उठाते? ये जिम्मेदारी उनकी है, ये बताएं कितनी बार अमित शाह आ रहा हूँ। दिल्ली गवर्नमेंट का वो कॉलेज है जहाँ मर्डर हुआ है, और दिल्ली सरकार का फर्ज है कि होमगार्ड को कम से कम पार्क में लगाए या कॉलेज के आसपास। तो होमगार्ड और ये सब कौन कौन सा गार्ड लाए भी थे ना? हाँ, कोरोना में लाए थे होमगार्ड, और उन्होंने काम नहीं भाई, लेकिन दिल्ली पुलिस का डर नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी तो दिल्ली पुलिस पर सवाल है और ये खौफ नहीं है लोगों में, इसलिए गोली मार दे रहे हैं लोग। सर बहुत दुर्भाग्य का बात है, हमारे संस्कृत व्याख्या यत नारस्ते पूजन्ते रमते तद्रे देवता, ठीक है, जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं ईश्वर वास करते हैं, लेकिन यहाँ पे नारी किसी भी शासित राज्य में सुरक्षित नहीं है। अगर आप बात करनी है कि बीजेपी मुद्दा उठाएंगे तो इनसे पूछिए, टीएमसी के नेता औरत को नंगा करके दौड़ा रहे हैं, तो जब यहाँ जनता कर रहा है तो यहाँ आप नेता पे सवाल क्यों नहीं उठा रहे? नेता भी तो नंगा करके दौड़ा रहे हैं ना, तो आप लोग अपने पार्टी को, आप हर वक्त में बीजेपी को आप ये कर रहे हैं कि बीजेपी की वजह से हो रहा है, तो आप लोग इस्तीफा दे दीजिए, केजरीवाल जी को हटा दीजिए, जब केजरीवाल से दिल्ली संभल ही नहीं रहा तो हटा दीजिए, बीजेपी को खड़ा कर दीजिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।